अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ स्ट्रॉबेरी पुडिंग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए। तो आइए चलिए देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करना है स्ट्रॉबेरी पुडिंग बनाने में। 1/3 कप पाउडर शुगर, 2 चम्मच लेमन जूस, स्ट्रॉबेरी एज़ पर नीड आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम स्ट्रॉबेरीज कट कर लेते हैं। देखिए हमने स्ट्रॉबेरीज को 2 पार्ट में कट कर लिया। इसे हम डेकोरेट करने में यूज़ करेंगे, इसका प्योरी बना लेंगे। हमें 2 चम्मच लेमन जूस, 1/3 कप ऑफ पाउडर शुगर यूज़ करना है स्ट्रॉबेरी प्योरी बनाने में। तो आइए चलिए हम पहले स्ट्रॉबेरी प्योरी बना लेते हैं। पैन को फ्लेम में रखकर उसमें कटे हुए स्ट्रॉबेरीज ऐड कर लें। हमें 1/3 कप पाउडर शुगर ऐड करना है। मैंने पहले हाफ ऐड किया है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, बचे हुए पाउडर शुगर को ऐड कर लें। देखिए हमारा स्ट्रॉबेरी प्योरी रेडी हो चुका है। तो अब हमें अपना फ्लेम ऑफ कर लेना है। हमें फाइन प्योरी बनाने के लिए इसे एक जार में ब्लेंड कर लेना है। तो आइए चलिए हम वाइट जेल बना लेते हैं। वाइट जेल बनाने में हमें यूज़ करना है 1/3 कप ऑफ पाउडर शुगर, 1/2 कप वाटर, 1 पिंच सॉल्ट, 1/2 लेमन। पैन में पाउडर शुगर ऐड कर लें, 1/2 कप पानी, 1 चुटकी नमक, 1/2 लेमन डायरेक्ट ऐड कर दें। देखिए हमने जेल को थिक करने के लिए 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहें। देखिए हमारा जेल थिक हो चुका है। हमें जेल को कंफर्म करने के लिए इसे चेक करना है। तो चम्मच के पीछे एक मार्क कर ले। देखिए इसमें एक मार्क आ गया है। तो अब ये जेल रेडी हो चुका है। तो अब इसे एक बाउल में निकाल लें। हमें जेल को स्ट्रॉबेरी जेल बनाना है। तो अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी प्योरी ऐड करेंगे। अच्छे से स्ट्रॉबेरी प्योरी को जेल में कंबाइन कर लें। तो चलिए अब हम पुडिंग बनाने के लिए क्रीम प्रिपेयर कर लेते हैं। हमें एक बाउल में 1 कप फ्रेश क्रीम ऐड करना है। अब क्रीम को ब्लेंड कर लें। देखिए हमारा क्रीम बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करें 1/3 कप पाउडर शुगर, 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें। अब हम बनाए हुए स्ट्रॉबेरी प्योरी को क्रीम में ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस हो तो आप 1 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस भी ऐड कर लें, वरना इसे स्किप कर लें।
देखिए हमारा क्रीम रेडी हो चुका है। मैंने चॉकलेट बिस्किट्स यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर से स्टेप रिपीट कर लें। एट लास्ट टॉप में स्ट्रॉबेरी जेल ऐड कर लें। इसे हमें सेट करने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रीज कर लेना है। 10 मिनट के बाद इसे रेफ्रिजरेटर से निकालें और चिल्ड ही सर्व कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।